माइलेज बढ़ाना है, आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझ लो। जब साइलेंसर ठंडा हो, जस्ट आप अपनी एक उंगली यहां पे डाल के इसको सरफेस है वहां पे इस तरह से करके चेक करना। देखो यहां पे उतनी ज्यादा गंदगी नहीं निकली, ये साफ है। सेम उसी तरह से तो देखो यहां पे आपको कितनी ज्यादा गंदगी जो है वो देखने को मिल रही है। अब इससे माइलेज कैसे कम होता है ये भी समझ लो। देखो इंजन के अंदर में जब पावर स्टोर करने पे ज्यादा पेट्रोल जलता है, जब एयर फ्यूल का रेशियो रिच होता है, जिसे देसी भाषा में हम लोग कहते हैं कि इंजन का रेस बढ़ा हुआ है, इंजन का ट्यूनिंग गड़बड़ है, तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैसेस में बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे गैसेस प्रेजेंट होती है जो कि साइलेंसर में चेक करने पर उंगलियों पर इस तरह से गंदगी के तौर पर दिखाई देता है। लेकिन जब पेट्रोल सही जलता है, रेशियो सही होता है, तो आप चेक करोगे तो वहां पर कोई भी गंदगी नहीं होता है। अब सवाल यह है कि जब पेट्रोल ज्यादा जलेगा तो जाहिर सा बात है कि माइलेज कम होता है, तो अगर आपको इस तरह से गंदगी दिखाई दे, आप समझ लो कि एयर फ्यूल का रेशियो गड़बड़ है, आपको ट्यूनिंग कराना चाहिए, और ट्यूनिंग करा लोगे तो माइलेज बढ़ जाएगा।